तो हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइस, ये जो वीडियोस है हमारे वीवोस के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है गाइस। तो गाइस, जितने भी हमारे जून सेशन 23 के स्टूडेंट हो, दिसंबर 23 के स्टूडेंट हो, जून 24 के हो, दिसंबर 24 के हो, और जिन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम दिया है दिसंबर 2022 का, 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट हो, पहले जितने भी फेल कर गए हो, वो सारे स्टूडेंट वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहो। सभी स्टूडेंट के लिए मैं बढ़िया अपडेट देने वाला हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूले। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज देखो भाई, मेरे पास बहुत तरह की चीजें आते हैं, समस्याएं आती है, सारा कुछ मैं वीडियो में कवर करूंगा एक एक करके। आप वीडियो पूरा शुरू से लेके एंड तक देखो। देखो यार, अभी क्या है कि अभी तुरंत देखो, एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ कि एडमिट कार्ड तू लोग कब डाउनलोड कर पाएगा, ठीक है। जो जून 23 का है, दिसंबर 23 के स्टूडेंट का कंबाइंड एग्ज़ाम बिहार बोर्ड ही ले रहा है, ठीक है। देखो, जून 23 वाले स्टूडेंट, दिसंबर 23 वाले स्टूडेंट, दोनों का कंबाइंड एग्ज़ाम जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवा रही है, बीबोस नहीं ले रही है, ठीक है ना। बीबोस नहीं ले रही है, अभी मिस्टर आनंद किशोर आपका एग्ज़ाम लेंगे, वही जो चेयरमैन है। देखो अभी देखो, बीबोस का चेयरमैन यहाँ पे चेंज हो चुका है, अनिल कुमार सर आए हैं, ठीक है। बीबोस का फुल्ली चेंज हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम जो है बीबोस जो है, देखो उतना यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसी कारण जो है बिहार बोर्ड ले रहा है, जिससे कि तुम्हारा एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए, रिजल्ट भी जल्दी से दे दे, समझ गए ना। क्योंकि अभी देखो ये लोग तो बिहार बोर्ड का पूरा एग्ज़ाम फुल्ली एकदम ख़त्म ही हो गया, एंड हो गया, तो अब खाली है उनका, ठीक है ना। तो अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। जिस तरह की मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है गाइज, देखो एग्ज़ाम जो है आपके अप्रैल के लास्ट मई में अप्रैल के लास्ट या मई में बोले जा रहे हैं, ठीक है भाई। और एडमिट कार्ड, डमी एडमिट कार्ड, देखो आज हमारा जैसे कि फ्राइडे या छठ भी है यार, कुछ कुछ मतलब दो बार छठ होता है साल में, तो ये भी है, ठीक है। तो आज हमारा फ्राइडे है, तो फ्राइडे तो आज तो चला गया, ठीक है। कल सैटरडे संडे को ऑफिस बंद, सैटरडे संडे को ऑफिस बंद, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा मंडे को खुलेगा, तो तुम्हारा मंडे को जो है यहाँ पे डेट शीट एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है तुम्हारे को निकाल दिया जाएगा, समझ गया, मंडे को, ठीक है। और एडमिट कार्ड तुम्हारा यहाँ पे देखो, बिहार बोर्ड ले रहा था, तो तुम्हारा डमी एडमिट कार्ड जरूर आएगा, 10 दिन का करेक्शन देगा वहाँ पे कि डमी एडमिट कार्ड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो तू लोग सुधार कर लेगा, समझ गया। तो ये मैंने तुमको अपडेट दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट एकदम परेशान होते रहते कि सर आपने बोला आजकल आजकल, भाई तो छुट्टी भी तो देखनी पड़ती है ना तुम्हारी, छुट्टी के दिन काम बंद होता है, तुमको पता होना चाहिए, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है, समझ गया ना। तो कुछ कुछ खुद भी कॉमन सेंस लगा लिया करो। तो ये देखो, तुम्हारे जो है मंडे को आ रहे हैं, ठीक है, समझ गया। जून 23 दिसंबर 23 का कंबाइंड वो है शेड्यूल वगैरह बिल्कुल रेडी कर लिया गया, अभी तुम्हारा जारी किया जाएगा, समझ गया, मंडे को जब खुलेगा ऑफिस। तो बाकी तुम लोग प्रिपरेशन में कोई कमी मत रखो कि ये नौबत ना आए कि फिर से तुम फेल कर जाओ। जैसे कि दिसंबर 2022 का 12th का जो रिजल्ट आया, 51% स्टूडेंट यहाँ पे फेल हैं, पास सिर्फ 49% है, उसमें भी कम मार्क्स आए। अगर तुम लोग फेल करने से बचना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहो। जो जो हमारी प्रीवियस ईयर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने बहुत तरह की वीडियो सॉल्व करवा रखी है। और देखो, इस एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, 11, 12 दोनों के पोर्शन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना तुम लोग प्रीवियस ईयर पे फोकस करेगा उतना बनेगा तुम्हारा। हम लोग दे रहे, प्रोवाइड करा रहे 159-299 का मेम्बरशिप, जरूर जो है ज्वाइन करना ना भूले, जिससे कि आप निश्चित सफलता आपको हाथ लगेगी, नहीं तो फिर सफलता से वंचित रह जाओगे, फेल कर जाओगे, तो फिर इसकी जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता आपका, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा से रिवाइंड कर देता हूँ, 159-299 का लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ले रहे हैं, क्योंकि भाई सबको पता है कि यहाँ पर ही सब कुछ मिलता है और यही करने से तुम्हारा एग्ज़ाम निकलता है, तो जो सही है वही कर रहे हैं, तो समझ गया। जिनको करना है कर लो, ज्वाइन करोगे तुम्हारा जो है अपने आप जो है यहाँ पे तुम्हारे को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, समझ गया। उसके बाद तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है,
नहीं तो यहाँ पे दे लिख देता हूँ 8229074021 पे आप मैसेज करके हाँ क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, समझ गए ये सारी चीज़। चलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी गाइज हम लोग आपको बताते हैं एग्ज़ाम में किस तरह से मार्क्स लाने, वो सारे कुछ आपको अभी रेगुलर जो है मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज देखो हम एक चीज़ और आपको सजेशन कर देना चाहेंगे, हम लोग हमारे चैनल पे जो आपके क्लासेस की वीडियोस भी यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा, ओके। और हमारे चैनल पे आपको क्लासेस की वीडियोस भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो वहाँ से भी जो है आप आसानी से जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकेंगे, 100% गारंटी है, ठीक है। तो चलिए गाइस ये मैंने बता दिया, फुल्ली बता दिया। और देखो यार हम लोग लंबे समय से ही जो बोर्ड पे दबाव बनाए जा रहे थे कि सर एग्ज़ाम नहीं एग्ज़ाम नहीं एग्ज़ाम नहीं, अब लो भाई तुम्हारा एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है, समझ गया। उसके बाद जून 24 का जो है भाई एग्ज़ाम फॉर्म भराए जा रहे हैं, 18 अप्रैल तक भरना ना भूलें, 25 अप्रैल तक जो है आधार वेरिफिकेशन सभी स्टूडेंट ज़रूर करवा लें। देखो बहुत सारे स्टूडेंट दिसंबर 2022 के फेल किए हैं, तो भाई उनको जो है आधार वेरिफिकेशन पहले ऑलरेडी हो चुका है, जिन्होंने कहा नहीं हुआ तो वो ज़रूर करवा लें। सारे जो है सेशन के आधार वेरिफिकेशन के पोर्टल जो है ओपन कर दिए गए हैं, मैं बता देना चाहूँगा गाइज, तो अपना आधार वेरिफिकेशन जरूर करवा ले जिन्होंने नहीं किया। दिसंबर 2022 के सभी स्टूडेंट का आधार वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया था तो पहले आधार वेरीफाई कर जिन्होंने किया था उन्हीं का जो है जारी किया गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मेरे को मैसेज करते हैं यार कि सर मेरे को आधार, तो भाई तुम्हारा हो चुका है, ठीक है, तुमको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया है, अभी तुम कहाँ भटक रहा है। अगर तुमको नहीं मिला तो लोग खो दिया, इसका मतलब है खो दिया, तो जिस दोबारा से आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है, अब प्रॉब्लम्स लेके आते हो फंसा के आते हो, तो यार मैं तो तुमको पहले ही बता देता हूँ ना, यहाँ पे तो सब सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहती है, बड़ा बड़ा जितना भी है सबका प्रॉब्लम मेरे पास सोल्यूशन रहता है यहाँ पे। तो देखो 22 वाले स्टूडेंट के पास सभी के पास यूज़र आईडी पासवर्ड होगा जो फेल कर गए हैं, उसके माध्यम से आप अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, ओके। पेंडिंग जो भी कुछ भी है आप भर सकते हैं, स्क्रूटनी का अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ का भरा रहा है, समझ गए, मैंने आपको अपडेट दे दिया। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाली आप किसी की भी स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सारा सॉल्यूशन बता दिया, ओके गाइज। इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, मैंने आपको सारी अपडेट दे दी। अगर आपको कोई दिक्कत होता है फॉर्म भरने में एग्ज़ाम फॉर्म कुछ भी है, तो आप हमको जो है इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है, और लगातार मैसेज करते रहेगा इस, ठीक है, हमारे चैनल पे। और कोई डाउट है तो हमको पूछे, सवाल ज़रूर पूछे। वैसे आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड और डेट शीट बहुत जल्द आएगा, हम लोग डाउनलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है, तो भाई एक दिन में दो एग्ज़ाम होता ही है, तो एकदम मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है, कर लिया है तो रिवीजन शुरू कर दो। पढ़ना तुमको रेगुलर है, डे बाय डे पढ़ना है तुमको, किसी भी दिन जो है छोड़ना नहीं है, समझ गया। छोड़ दिया तो तुम वहीं पे फंस जाएगा, समझ गया। रेगुलर यहाँ पे तुम डे बाय डे जो है अपनी जो स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करो, अपने जो टैलेंट को बढ़ाओ, अपने मेरिट को बढ़ाओ और नॉलेज यहाँ पे बढ़ाओगे तभी तुम एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन के जवाब तभी तुम दे पाओगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चले गाइस इंतज़ार करें, आप मंडे का आपका आएगा तो मैं डाउनलोड करके बताएगा, ठीक है गाइस, और स्टेप बाय स्टेप करेक्शन भी करेंगे किसी भी स्टूडेंट को कोई मिस्टेक्स होगा तो। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।